ओ भाई, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई, 10 के 10 मैच जीत गई और उसके बाद वर्ल्ड कप हार गई। भाई काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इंडिया की गलती थी, वो सही से नहीं खेली। भाई इंडिया सही से खेली, ठीक है, लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग थी ना वो सही नहीं हुई। जिस पिच पे मैच था वो पिच पे ऐसी 250-230 का स्कोर ही बनता है वहाँ पे। और गलती क्या हुई इंडिया से कि इंडिया ने ना ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर के लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी, और ऑस्ट्रेलिया वाले प्लानिंग करके आए थे। उनको पता था कौन सा बल्लेबाज कहाँ रन मारता है, कौन सा गैप निकालता है। उन्होंने वहाँ पे अपने दो दो फिल्टर लगा रखे थे, लेकिन इंडिया की कोई भी प्लानिंग नहीं थी बैट्समैन को लेकर। जैसे वो पहले मैच खेल रहे थे वैसे मैच खेले। रोहित शर्मा ने तेज स्टार्ट किया, सुमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अय्यर, राहुल, सूर्या, एक एक के बाद जडेजा, एक के बाद एक जाते रहे, ठीक है। और भाई ऑस्ट्रेलिया को पहले से पता था कि इस पे जो ये पिच है इस पे शुरू में टर्न होगा और एंड में टर्न नहीं होगा रात को। तो उन्होंने अपने स्पिनर को शुरू में सारे ओवर करवा दिए, इससे इंडिया के विकेट भी आए जल्दी आ गए, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया पूरी प्लानिंग के साथ आई थी भाई, उन्हें पता था कौन सा बल्लेबाज कहाँ मारेगा, कौन से बल्लेबाज की कमजोरी क्या है, कौन सा बॉलर उसको बॉलिंग कराएगा। इंडिया की कोई प्लानिंग नहीं थी और पहले ऐसा मैच खेल लेते, इस वजह से इंडिया मैच आ रही है। और आपको क्या लगता है भाई, इंडिया किस लिए मैच आ रही है कमेंट में बताओ, कमेंट करके क्यों आ रही है इंडिया मैच। बैटिंग ख़राब रही, बॉलिंग ख़राब रही, कौन से बल्लेबाज ने हरवाया है, कौन से बॉलर ने हरवाया है मैच, कमेंट में बताओ।